दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी कोई कृषि भूमि है या आपका कोई भी प्लॉट है, आपकी किसी भी प्रकार की जमीन है, तो आप अपनी जमीन को अपने मोबाइल से अपने स्वयं आप नाप सकते हैं, चाहे वो कृषि की जमीन हो, चाहे वो भी प्लॉट हो, वर्ग मीटर में, वर्ग फुट में, हेक्टेयर में, आप जिसमें चाहें उसमें नापना आपको वीडियो सिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और यदि आपका कोई प्रश्न है जमीन से रिलेटेड तो आप कालमी फोर ऐप से मुझसे पूछ सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे कि आप अपने प्लॉट की जमीन या कृषि की जमीन वर्ग फुट, वर्ग मीटर, हेक्टेयर, एकड़ में कैसे निकालें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि यदि आपकी कोई भूमि है, कृषि की भूमि है, तो आप उसकी माप निकालना कैसे सीखें। दो कंडीशन में आप ना माप निकाल सकते हैं, या तो आपके पास जमीन का नक्शा होना चाहिए, ठीक है। जमीन का यदि आपके पास नक्शा है तो आप गुनिया से इसकी साइड नाप के कि ये कितने मीटर है, ये कितने मीटर है, ये कितने मीटर है, ये चारों साइड नाप के आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। और यदि मान लीजिए गुनिया नहीं है, ठीक है, तो आप कोई फीता लें। यदि कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले आप जो भी आपका खेत है, जो भी आपकी जमीन है, उसकी भुजाएं पता करनी पड़ेंगी वर्ग मीटर में, ठीक है। आप पहले कृषि का समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक प्लॉट का भी मैंने उदाहरण दिया है। अधिकतर लोग प्लॉट की भी जरूरत पड़ती है, तो आप वीडियो स्किप ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। देखिए सबसे पहले आपको अपनी जमीन की लंबाई जो है, चौड़ाई लंबाई जो भी कुछ भी है, वो मीटर में आपको ज्ञात करनी है। आप चाहे तो फीता लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपके पास जमीन का नक्शा है तो गुनिया से भी नाप सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप नक्शे पर गुनिया रखेंगे, गुनिया का एक सबसे छोटा कोना जो होता है वो 4 मीटर का होता है, जितने आपका खन हो उतने मीटर हो जाता है, ठीक है। तो सपोज दैट मान लीजिए 80 मीटर आपका ये है चौड़ाई और 60 मीटर आपकी जो है वो लंबाई है। अब आपको हेक्टेयर में निकालना है कि भाई मेरी ये जमीन जो है वो कुल कितने बीघा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, कुछ भी नहीं करना है, जो लंबाई चौड़ाई आपने मीटर में नापी थी उसी का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपकी जमीन की लंबाई चौड़ाई वो कुल जो वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल निकला है वो निकला है 4800 वर्ग मीटर। देखिए हो सकता है आपका कोई खेत हो यहाँ पे 10 मीटर और यहाँ पे 10 मीटर, तो आपको दोनों लंबाई चौड़ाई में गुणा करना है। हो सकता है आपका 50 हो, यहाँ पे आपका 50 हो और यहाँ पे आपका 100 हो, तो इन दोनों में गुणा करना है, ठीक है। जो भी निकले वो वर्ग मीटर में निकलेगा। हमने यहाँ पे 80 मीटर और यहाँ पे 60 मीटर, जो देखिए मेरे जो खेत की जो चौड़ाई थी वो 80 मीटर थी, लंबाई जो थी वो 60 मीटर थी। हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, निकल के आ गया 4800 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको एक आगे जीरो लगा देना है और पॉइंट रख देना है, ये आपका एयर निकल आया, यानी कि 4800 एयर, यानी कि हम कह सकते हैं फर्द पे रकबा जो शो करेगा वो कुछ इस प्रकार करेगा, ये इस प्रकार, ठीक है। जो आपकी खतौनी होती है उस पर इसी प्रकार से रकबा शो करता है, ठीक है। 0.4800 हेक्टेयर, ठीक है। तो अब आप समझ लें कि आपके यहाँ कितने कितने बीघा, कितने एयर का होता है, ठीक है। हमारे यहाँ 81 एयर का होता है, उस हिसाब से लगभग 5 बीघा इतने में हो गए, ठीक है। तो जो भी आपकी कृषि की जमीन है, सबसे पहले उस कृषि की जमीन की आपको फीता से या मोबाइल की सहायता से या नक्शा के अनुसार आपको लंबाई चौड़ाई उसकी मीटर में ज्ञात करनी है और उसका डिवाइड गुणा कर देना है। गुणा में जो भी आए वो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारी जमीन जो है वो कितने वर्ग मीटर है, यानी कि कितने हेक्टेयर है, कितने एकड़ है। अब बात आती है भाई प्लॉट की। प्लॉट का जो माप जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग जो है वो प्लॉट खरीदते हैं, तो सबसे पहले आपको प्लॉट प्लॉट की लंबाई जानने के लिए देखिए दो तरीका से प्लॉट की बिक्री होती है, ठीक है। कई लोग वर्ग फुट में खरीदते हैं, कई लोग वर्ग मीटर में खरीदते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा है 20x50 का, ये प्लॉट की शेप हमने बना दी है कुछ इस प्रकार की, आपने 20x50 का प्लॉट खरीदा है, तो यदि आपको इस प्लॉट का वर्ग फुट निकालना है तो आपको लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, जब हमने गुणा किया इसका तो 1000 वर्ग फुट निकल के आ गया। देखिए आपने 20x50 का लिया है तो यहाँ पे 1000 वर्ग फुट हो गया, ठीक है। यदि मान लीजिए 30x50 का लिया है तो यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा करेंगे, यहाँ पे वर्ग फुट निकल के आ जाएगा, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये वर्ग फुट लिया है, तो 1000 का 1000 में डिवाइड कर दें, 500 रुपये वर्ग, मान लीजिए जमीन ये आपने 500 रुपये वर्ग फुट में ली है और 1000 वर्ग फुट है, तो 500 का इसमें गुणा कर दें यानी कि 500,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ग फुट में। मान लीजिए आपके शहर में वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट की बिक्री होती है। ठीक है, अब आप प्लॉट लेने गए तो उन्होंने कहा भाई 20x50 का प्लॉट है, आप ले लें, उन्होंने वर्ग मीटर में आपको पैसा बता दिया। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई भी प्लॉट वर्ग, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग फुट होते हैं, 10.76। ठीक है, आप सबसे पहले जैसे मान लीजिए 20x50 का प्लॉट है तो आपको सबसे पहले उसके वर्ग फुट निकाल लें। मान लीजिए आपने वर्ग फुट निकाल लिए 1000, अब आपको वर्ग फुट पता है, वर्ग मीटर नहीं पता ये कितने वर्ग मीटर बनेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 1000 में 10.76 का भाग दे देना है, यहां पे आ गया 92.93 वर्ग मीटर। यानी कि आपका ये प्लॉट जो है इसकी क्षेत्रफल जो है यदि वर्ग मीटर में पता करें तो यहां पे 92.93 वर्ग मीटर आ गया। वर्ग मीटर में बदलने के लिए आपको जो भी आपका वर्ग फुट है, वर्ग फुट में 10.76 का आपको भाग दे देना है, यहां पे आपका वर्ग मीटर निकल के आ गया। मैं एक बात और बता दूं, जब भी किसी जमीन की किसी प्लॉट की रजिस्ट्री होती है तो वह वर्ग मीटर में ही होती है, प्लॉट की रजिस्ट्री वर्ग मीटर में होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको वर्ग फुट निकालना है। मान लीजिए 2000 वर्ग फुट निकला है तो भी 10.76 का भाग देना है, 1000 निकला फिर भी और 500 निकला फिर भी, यानी कि वर्ग फुट को तोड़ना है वर्ग मीटर में तो 10.76 का आपको भाग करना है। ये निकल आया आपका 92.93 वर्ग मीटर। अब आपका जो भी पैसा हो, मान लीजिए 10,000 रुपये वर्ग मीटर है तो 10,000 का 92.93 में आप जो है गुणा कर दें, आपका पैसा भी निकल के आ जाएगा। अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, एक चीज भी है कि यदि मान लीजिए आपको किसी ने वर्ग मीटर में बता दिया है कि ये प्लाट 92 वर्ग मीटर है, ठीक है, अब आपको वर्ग फुट में पता करना है, ठीक है, तो आपको फिर भी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी वर्ग मीटर है, जैसे मान लीजिए उसने 92.93 वर्ग मीटर बताया है तो उसमें आपको गुणा कर देना है 10.76 का, तो वर्ग फुट निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको सब कुछ समझा दिया, जो भी आपकी कंडीशन है, मान लीजिए यदि आपकी कोई कृषि की जमीन है तो आप उसे मीटर में निकालें, मीटर में निकाल के आप गुणा कर दें, जो भी आपका आएगा हेक्टेयर में आ जाएगा, आपकी जमीन की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी क्या है, आप जान जाएंगे। ठीक है, और वर्ग मीटर में, वर्ग फुट में आपको जो भी निकालना है वो आप कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कालमी फोर ऐप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं या आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कोई भी आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई भी आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।